नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई दुबई से रिलेटेड और विजिट वीज़ा से रिलेटेड हम बात करेंगे। बता दूं मैं पूरी और भी बातें बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है भाई कि अभी आपके पास एकमात्र दुबई का सहारा बचा है। चाहे आप कुवैत जा रहे हैं, चाहे आप कोई भी कंट्री जा रहे हो वाया दुबई, क्योंकि फ़्लाइटें बहुत सारी कंट्रीज़ की बंद हैं। हालांकि सऊदी की ज़्यादा भीड़ कुवैत दुबई में हो रही है, कुवैत की भी ज़्यादा भीड़ दुबई में हो रही है। और लोग अभी आपको पता है दुबई का वर्क परमिट वीज़ा बंद है। अब हालांकि काफ़ी सारे लोगों के मेरे मोबाइल पे वर्क परमिट वीज़ा आ रहे हैं। अब वो कहाँ से आते हैं, क्या होते हैं, वो तो वो जाने, उनका एजेंट जाने भाई, या तो चेक करने पे पता लगता है कि मामला क्या है। बाकी वर्क परमिट वीज़ा बंद है। हालांकि मैंने वीडियो बनाया था वर्क परमिट वीज़ा शुरू हुए, लेकिन वो कौन से हुए, सरकारी या सरकारी या घरेलू नौकर के एक दो कोई कैटेगरी थी। बाकी जिस जॉब में आप आना चाह रहे हैं, होटल, पैकिंग, मॉल, शॉल या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इंजीनियर, फोरमैन वगैरह, ये वीज़ा में आते हैं 99% लोग, तो ये वीज़ा अभी बंद हैं, अभी ओपन नहीं हुए हैं। और पाकिस्तान और इंडिया से भाई इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ने लग गई एयरपोर्ट पर कि आपको पता है पहले भी वीडियो डाला था कि 2000 दराम अनिवार्य कर दी। इंडिया का मान लीजिए 45,000 आपके पास होना चाहिए, पाकिस्तान वालों को एक लाख रुपये होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात बता दूँ, होटल बुकिंग, कन्फर्म टिकट वगैरह वगैरह होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपको इंडिया में पाकिस्तान एयरपोर्ट पे रोक लेंगे। आपको काउंटर पे इमिग्रेशन वाले आपसे चेक करेंगे, सख्ती से पूछताछ वहीं कर लेंगे, यहाँ तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। और इनके बावजूद ये भी लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एजेंटों ने एक नया तरीका निकाल लिया है। मैं बता दूँ क्या, क्योंकि मेरी बात होती है लोगों से, जैसे इंडिया से कोई बंदा आ रहा है, उसको पैसे लेने थे इंडिया में, अब बंदे के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो एजेंट को भी पूरा पैसा दे दे 70-80,000 रुपये, फिर 50,000 जेब में लेके यहाँ भी पहुँच जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसमें वो फिर क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ठीक है तू वीज़ा टिकट का यहाँ दे, बाकी पैसा वहाँ मेरा बंदा मिलेगा, यही 2000 तो एयरपोर्ट पे दिखा देना, यही पैसा फिर वापस आगे दे देना, ऐसा टारगेट उन्होंने बनाया। यही दुबई का, ये इंडिया के एजेंटों ने बना रखा है, ये पाकिस्तान के एजेंटों ने बना रखा है। लेकिन इस ये सब होने के बावजूद भी आपको मैं बता दूं, दुबई सरकार ने भी साफ साफ इनकार किया है कि आप विजिट टू वर्क दुबई में न आएँ। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, अल खलीज की न्यूज़ है, मैं वगैरह वगैरह जो भी स्क्रीनशॉट है आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि नीचे कमेंट ना करें कि ऐसा क्यों है, लोग विजिट में जा रहे हैं, लोग जॉब लग रहे हैं। मेरे मोबाइल में भी इतने शेयर ज़्यादा आते हैं कि विजिट टू वर्क, ये उस कंपनी में रोज़ की पता नहीं कितने कितने वैकेंसीज आ रही हैं। वैकेंसी आ रही हैं नो डाउट, काम भी, लोग भी आ रहे हैं नो डाउट, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि भाई सरकार ने ये आंकड़े, ये घोषणा की है कि लोग विजिट में दुबई आ रहे हैं वो ना आए, विजिट टू वर्क जॉब से रिलेटेड ये बातें बताई हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि अब सरकार ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा भाई, यहाँ पर भीड़ बढ़ती है, क्योंकि सऊदी के लोग दुबई आ रहे हैं, कुवैत के लोग दुबई आ रहे हैं, इधर से फिर उधर जा रहे हैं, 14 दिन इधर उनको रुकना पड़ता है, तो एक भीड़ भड़ाका टाइप का एक माहौल बन रहा है दुबई में, ठीक है। होटल बुकिंग वगैरह, वरना तो आज तक नहीं मांगा भाई, इसी अभी क्यों मांग रहे हैं। और दुबई को भी पता है कि जो लोग आएंगे पैसा लेके आएंगे, क्योंकि आप लोगों की मजबूरी है, और कंट्री की जॉब बंद है, वर्क परमिट बंद है, दुबई का विजिट है, तो दुबई में विजिट टू एम्प्लॉयमेंट होता है, सबको पता है। और एजेंट भी शाणे हो गए, एक महीने का वीज़ा 5-7 हज़ार में आता है, पकड़ा के भेज देते हैं। तो थोड़ा सा आप सोचे समझे, अगर आप दुबई आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप जनवरी तक वेट कर लो, फायदे में रहोगे, इंडिया से वर्क परमिट लेके आओ, ताकि आपको आगे यहाँ पे दिक्कत ना हो, समस्या नहीं हो। अगर आप विजिट में भी आते हो तो कम से कम आपको 3 महीने का वीज़ा लेके दुबई आना चाहिए, क्योंकि एक महीना इतना इजीली निकल जाता है कि आओगे 2-4 दिन तो आप मकान पे पड़े रहोगे, फिर आप कंपनी कोई में जाओगे, वो इंटरव्यू, आप जैसे 50 लड़के हैं उसको 10 चाहिए, तो इंटरव्यू लेगा, 5-7 दिन में उसका रिजल्ट आएगा, 15 दिन हो गए, फिर वो जॉब लगाएगा, कंपनी इतना जल्दी वीज़ा नहीं लगाती है 1 मंथ वाले में, क्योंकि वो 4-5 हज़ार दराम खर्च नहीं करेगी आप पे, लाख रुपये पहले आपको देखेगी कि हाँ आप सही हो, आप काम करने लायक हो, तब जाके वीज़ा लगाएगी, इतने में आपका 1 मंथ का वीज़ा खत्म हो जाएगा, फिर आप एजेंट के पीछे, एजेंट आगे, फिर फोन स्विच ऑफ, बड़ा पंगा होने वाला। 3 महीने का वीज़ा में अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, बाकी मेरी राय यह कि आप जनवरी तक आएँ तो आपके लिए अच्छा होगा, वर्क परमिट लेके आए हो इंडिया से, ठीक है। दुबई इमिग्रेशन ने साफ बोल दिया है, किसको, एयरलाइंस को बोला है कि आप अपने स्टेट, अपनी कंट्री में, अपने शहर में, अपने स्टेट में वहीं चेक इन कर लो बंदे से। आप अगर PCR टेस्ट चेक करते हो, आप अगर वीज़ा चेक कर रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो, वीज़ा, टिकट, कोविड टेस्ट रिपोर्ट, रिटर्न टिकट, तो आप ये भी साथ में चेक करिए। होटल बुकिंग प्लस आपका 2000 दराम आपके पास होना चाहिए, प्लस कन्फर्मेशन होटल बुकिंग कहाँ है वो पूरा एड्रेस आपको बताना होगा, ये चेक करें। अगर ये बंदे के पास नहीं है, आपको लगता है, तो आप उसको वापस रिटर्न कर सकते हो, घर के लिए रवानगी दे सकते हो। तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि थोड़ा स्टिक हो चुका है हर जो हर कोई आदमी, आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल उन्होंने बना दिया है। और ये नवंबर और दिसंबर, जनवरी तक
हो सकता है अभी नवंबर से वीज़ा स्टार्ट हो जाए, वर्क परमिट कौन भाई पता नहीं है अब। हालांकि दुबई में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, मैं बता दूं पहले जहां मैं अक्टूबर में आया था तब लगभग 900 1000 के करीब आंकड़े पर डे आ रहे थे, अभी 15-20 दिन से रेगुलर 1400, 1500, 1450 इस तरह से आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तो आंकड़े बढ़े हैं, कम तो नहीं हुए। ये सरकार नहीं चाहती कि हाँ आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहें फिर कोरोना बेकाबू हो जाए, छोटी सी तो कंट्री है ये, समझ रहे हो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने कंडीशनें बंद नहीं कर सकते, जो सिस्टम चल गया वो बंद नहीं हो सकता, क्योंकि यूएई की इकोनॉमी तो टूरिज्म पे टिकी हुई है, बंद नहीं करना उनकी मजबूरी है, लेकिन आप जैसे लोगों को रोकना उनके हाथ में है। कानून स्टिक बना देगी, नियम कर देगी, इमिग्रेशन पे पूछताछ हो जाएगी, फिर वही वो मलेशिया से डिपोर्ट हो रहे हैं, हांगकॉन्ग से डिपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ से भी भाई डिपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से भी बहुत लोग 1500-1600 के करीब डिपोर्ट हो गए थे, इंडिया के भी बहुत सारे लोग डिपोर्ट हो गए थे। हालांकि अभी लोगों ने पता लग गया 2000 दराम होटल बुकिंग है तो फिर निकाल देते हैं, तो लोग फिर उसी सोच के साथ आगे बढ़ने लग गए। थोड़ा सोचे समझे देखिए, जनवरी तक आप वेट कर लें अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो। यहाँ आते ही भाई कौन सी जॉब की लाइन लगी पड़ी है, यहाँ पर भी स्थिति थोड़ा सा डाउनलोल ही है, इतनी ज़्यादा शॉप बंद हुई है, इतनी ज़्यादा शॉप बंद हुई है कि आप जाओगे उधर ही शीशे आपको डाउन ही मिलेंगे। हाँ ठीक है, काम नॉर्मल जो कैटेगरी है, साफ सफाई का काम है, कंस्ट्रक्शन में जॉब है, या फिर क्लीनर का जॉब है, ये जॉब मिल रहे हैं, बाकी आप जैसे सोचते हो अच्छी जॉब आपको मिल जाए वो एक बार पॉसिबल नहीं है, जनवरी तक आप वेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको जानकारी दे दी है, थोड़ा सा गौर ये रखें कि एजेंट लोग विजिट वीज़ा को वर्क परमिट बना के दे रहे हैं। वन मंथ के वीज़ा पे बता दूँ, एक ध्यान रखें, कल मेरे पास एक बंदे का एक वीज़ा आया, उस पर वन मंथ का वीज़ा ऊपर लिखा होता है, देखिए वन मंथ का जो वीज़ा होगा उस पर लिखा होगा शॉर्ट टर्म एस लिखा होगा, ठीक है, आपकी फ़ोटो के आगे लगा हुआ होगा। और अगर आपके पास मान लीजिए 3 महीने का वीज़ा है तो उस पर लिखा होगा लॉन्ग LONG लॉन्ग टर्म, L या फिर T आ सकता है उसमें, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा गौर कर लें, 1 मंथ का वीज़ा या 3 मंथ का वीज़ा, उसमें नीचे टाइम लिखा होता है 2 मंथ। एजेंट क्या बताते हैं, 1 मंथ वाले वीज़े को भी बोल देते हैं, ये देखो वीज़ा 2 महीने का वीज़ा है, ठीक है, जबकि वो होता क्या है, वो मलेशिया वाला काम है। मलेशिया में मलेशिया वाला वीज़ा कितने टाइम का होता है, 15 दिन का, सोशल डेज ऑफ 15 डेज लिखा है, लेकिन उसमें वैलिडिटी कितनी होती है, 3 महीने की, और एजेंट उसको उल्टा कर देते हैं, वैलिडिटी को बताते हैं 3 महीने का वीज़ा है वहाँ जाके लग जाएगा, दुबई में क्या बताते हैं 2 महीने का वीज़ा है वहाँ जाके लग जाएगा, जबकि वो वीज़ा 1 मंथ का है। हालांकि दुबई के ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं विजिट वीज़ा पे को डिलीट करके वहाँ पे वर्क परमिट वीज़ा लिखा जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया जानती है दुबई के वर्क परमिट वीज़ा जब बंद ही हैं तो वर्क परमिट वीज़ा कहाँ से मिल गया भाई, कंस्ट्रक्शन का या फिर और भी बहुत सारे जॉब हैं वो कहाँ से मिल गए। लेकिन नहीं जी, लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा लेना होता है दुबई के। अब लोगों को पता है कि दुबई का काम चालू है, आम आदमी को भी पता होता है, तो एजेंटों को भी फिर दुबई के नाम से, मेरे पास भी ऑफर लेटर आ रहे हैं, मैं और भी डालूंगा वीडियो, ऑफर लेटर बना के दे रहे हैं, अच्छा ये जॉब है वो जॉब है, पता नहीं क्या क्या बना के क्या क्या बोल देते हैं, मर्जी तो समझ से परे की बातें हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा बचने की ज़रूरत है, जनवरी तक वेट करें, वर्क परमिट वीज़ा मैन पावर लाइसेंस से ही आप आएँ, मैं तो ये बोलूँगा मैन पावर ऑफिस हैं इंडिया में 3800 भाई उसी से आएँ, वो पैसा वो ज़्यादा नहीं लेंगे, आम एजेंट आपका है उससे वो मैन पावर वाले हमेशा कम ही लेते हैं, ध्यान रखें बात का। तो बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, मिलते हैं अच्छी जानकारी में नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।